ओके स्टार्ट करते हैं। कोई बताएगा मेरे को व्हाट इज मेंटल एबिलिटी? सर आपके सर दिमाग का वो लॉजिकल सर दैट शार्पन द माइंड नहीं बनाना सर, इट इज इन सब्जेक्ट ऑफ शार्पनिंग द माइंड, लॉजिकल ये सब्जेक्ट ऑफ शार्पनिंग द माइंड। स्क्रीन विजिबल है सबको? आईक्यू बड़ा। यस सर। यस सर। सर आवर मेंटल एबिलिटी इज आवर मेंटल एबिलिटी and we can sharpen it by doing practice. Oh, very good. It's a very interesting answer. देखिए कभी कभी दिमाग का नहीं बन जाता। सुनो सुनो, mental ability is nothing but it's analysis and overall potential of a student and helps determine their strength and weakness. Right? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. अपन mental ability को मेंटल एबिलिटी को अपन मेंटल एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं। मेंटल एप्टीट्यूड सर रीजनिंग किसको कहते हैं? और रीजनिंग भी बताएंगे बच्चे, रीजनिंग की भी अपन क्लास लगा रहे हैं। रीजनिंग और इसमें मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? बट उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अपन, जैसे रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग होती है एंड अपन उसमें नॉन वर्बल रीजनिंग भी होती है, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग सब कुछ होता है, ठीक है? मेंटल एबिलिटी में क्या है, मेंटल एबिलिटी की सबसे पहले डेफिनेशन देखो। देखो कहीं पे अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो पूछो, अगर नहीं पूछोगे तो वो तुम्हारी गलती है ना? अगर आप पूछो और मैं नहीं बताऊं वो मेरी गलती है, ठीक है? पूछना इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बताना इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? यस सर। यस सर। ए मेंटल एबिलिटी सर, हम ये लिखे कि नहीं? लिखना है बेटा, सब कुछ लिखना है, जो भी बोर्ड पे लिखा रहे हैं वो सब कुछ लिखना है। ए मेंटल एबिलिटी टेस्ट आल्सो नॉन एज मेंटल एप्टीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। यस सर। क्या है इसमें वो देखते हैं। इट इज द एनालिसिस द ओवरऑल पोटेंशियल of a student and it helps to determine their strength and weaknesses, okay? देखो क्या है, जैसा कि अभी अपन ने बोला था कि mental ability को अपन mental aptitude भी बोल सकते हैं, okay? अब इसमें क्या है, mental ability और aptitude का meaning क्या है, ये क्या काम करते हैं, ये क्या करते हैं, analysis करते हैं कोई भी स्टूडेंट होता है उसका ओवरऑल पोटेंशियल, कि भाई इस स्टूडेंट का पोटेंशियल कितना है, ये कोई भी चीज को कितने हद तक, इसकी थिंकिंग लेवल क्या है और इसका एफिशिएंसी कितना है, कोई भी चीज को सोल्व करने में, कोई भी सिचुएशन है उसमें कितना जल्दी रिएक्ट करता है, ये सब कुछ चेक करता है मेंटल एबिलिटी अपने को। अपन जैसे जैसे मेंटल एबिलिटी पढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने माइंड का ऐसे डेवलपमेंट होगा कि अपना पोटेंशियल कोई भी सिचुएशन के लिए रिएक्ट करना और कोई भी काम करने में एफिशिएंट बनाना अपने को, इन सब में अपने को हेल्प करता है मेंटल एबिलिटी, ओके? एंड ये क्या करता है मेंटल एबिलिटी, देखिए बच्चों का जैसे तुम्हारा शिखर में एंट्रेंस टेस्ट हुआ उसमें मेंटल एबिलिटी भी रखा गया सिलेबस, उसका रीजन पता है तुम्हें क्यों रखा गया सर? जिससे पता चल पाए कि आपका दिमाग कितना तेज है। लिखा हुआ है
it helps to determine their strengths and weakness, right? Yes, sir. Mental ability क्या करती है? Mental ability test से अपन किसी की भी strength और weakness का पता लगा लेते हैं, ठीक है? अब वो कैसे पता लगाते हैं अपन? Like अपने कई प्रकार के questions होते हैं कि बताओ तुम कहीं पे जा रहे हो, कभी कभार मिरर के आ जाते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग शायद। अरे सुनो मेंटल एबिलिटीज, जैसे कभी कभी अपने डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, हैं अपन पूछते हैं कि कोई सर वो कितनी दूर तक गया, वो नॉर्थ साइड में 5 किलोमीटर गया, फिर नॉर्थ साइड में गया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, तो सर वो कौन सी चेक करते हैं कि ये डायरेक्शन रिलेटेड इसका माइंड कैसा है, इसका माइंड डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर पाता है या नहीं कर पाता है, ओके? इससे पता लगता है कि अगर ये स्टूडेंट कहीं भी किसी भी कोने में चला जाए कंट्री या वर्ल्ड के, अगर इसको अकेले को छोड़ दिया जाए तो ये इजीली डायरेक्शंस आइडेंटिफाई कर सके और एक सेफ, अगर कहीं पे खो गया तो अपने सेफ जगह पे आ पाए, डायरेक्शन इसको पता लगे। Yes. आजकल तो नेविगेशन आ गया है, बट पहले क्या होता था, नेविगेशन नहीं था तो लोग ऐसे डायरेक्शन का यूज करते थे, वो अपने माइंड का यूज करते थे, ठीक है? देखो डिस्कवरी चैनल देखा होगा तुमने, उसमें एक करेक्टर मैन वर्सेस वाइल्ड देखा होगा, डेफिनेटली सबने देखा होगा, उसमें जो करेक्टर है क्या नाम है उसका, वो ऐसे फॉरेस्ट में चला जाता है, बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े। अब क्या कि फॉरेस्ट में अपना नेविगेशन कभी कभी, मतलब मोस्टली काम नहीं करता नेविगेशन, ठीक है? अब अपन कोई बड़े से फॉरेस्ट में चले गए तो अब अपने को पता कैसे लगेगा कि अपन इससे बाहर कैसे निकले, उस समय काम आती है उसकी मेंटल एबिलिटी, ओके? अगर मेंटल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होगी, उसका पोटेंशियल काफी अच्छा होगा, उसका एप्टीट्यूड शानदार होगा, तो वो इजिली अपने घर पे पहुंच जाएगा और वो पहुंचता है। आपने कभी ने सुना है कि कभी ग्रिल्स फॉरेस्ट में खो गया, उसको ढूंढने के लिए रेस्क्यू सिस्टम लगाया? इस सबसे अपने को क्या क्या रिजल्ट मिला वो देखते हैं। देखो नॉर्थ पोल स्टार वगैरह, देखो Thus, these test, कौन से test? Mental ability, mental aptitude, reasoning, ये सब क्या करते हैं? Helps students to develop skills that are required at different stages of life to build a career. समझ गए क्या कहना चाहता है? क्या है ये टेस्ट, अपने को क्या हेल्प करते हैं? कोई भी स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में पूरा रोल होता है उसकी मेंटल एबिलिटीज का, वो उसकी स्किल्स को इनहांस करता है, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करता है। और मेंटल एबिलिटी अपने को अपना करियर और लाइफ होता है ना, अपना जो गोल्स लाइफ में अपने पास कोई भी टारगेट सेट होता है ना, उसको अचीव करने में हेल्प करता है अपनी, राइट? Yes, sir. और जैसे interviews वगैरह होते हैं जॉब के टाइम पे, तो mental ability अच्छी होगी तो mental ability, देखो situation react question वही होते हैं। अपने interviews में अपने को कोई भी situations देते थे, जैसे अब किसी में आप में से किसी बच्चे का ड्रीम होगा कि भाई मेरे को इंडियन आर्मी में
लेफ्टिनेंट बन रहा है, कर्नल बनना है, है? ऑफिसर बनना है, ठीक है। तो अब वहां पर क्या होता है, ऐसे ही टेस्ट होते हैं, उसकी 5 डेज इंटरव्यू प्रोसेस होती है और वो काफी टफ प्रोसेस होती है। अगर आपकी मेंटल एबिलिटी शार्प नहीं है तो आप नहीं जा सकते उसमें, ठीक है, उसको क्रैक नहीं कर सकते। तो आपको ये सब चीजें है ना अच्छे से पढ़नी होगी, इन सब पे काम करना होगा और अपने नॉलेज को पॉलिश करना होगा और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। योर मेंटल एबिलिटीज, मेंटल और रीजनिंग स्किल्स सभी शार्प होनी चाहिए, तो तुम किसी भी लेवल पे पहुंच सकते हो, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता, राइट? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चमका सबको? यस सर। चमका सबको? यस सर। छाप लो। यस सर। यस सर। छाप लो। यस सर। छाप लो। आसान लग रही है? छाप लिया। आसान आसान लग रहा है? यस सर, आसान लग रही है। सब कुछ आसान लगेगा धीरे धीरे। सर आपका लैपटॉप अरुण सर के लैपटॉप जैसा लग रहा है। अरे मैथ्स वाले है ना, सब कुछ सेम रहता है हमारा, सब कुछ सिलेबस पढ़ाना भी हमें सेम ही है, दोनों क्योंकि विंडोज 10 है, दोनों सेम। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मेंटल एबिलिटी काम आ गई जल्दी से, सेम होगा ना, लॉजिकल लगा। ओके तो अब अपन देखते हैं। अरे विंडोज 10 का वो सेम ही। सुनो सुनो सर, आप एक बार दोबारा से दिखा दीजिए। दोबारा से दिखाऊं? कोई नहीं, दोबारा से देख लो। वेरी गुड, समझ में आना चाहिए। बस अपन चाहे से 2 क्लास की जगह 4 क्लास में चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, अपने को एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ जाए, बट सब कुछ समझ में आना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। Am I right? हां सर, आ गया सर, समझ आएगा तुम्हें। ओके सर, यू आर राइट, मजा आएगा। आप देखो, आप देखो नेक्स्ट है अपने पास क्या है, पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर कौन सा, टेस्ट ऑफ अल्फाबेट। टेस्ट ऑफ अल्फाबेट्स। अब मेरे को ऐसे बताओ, तुम्हारी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सभी अल्फाबेट्स नहीं पता? सबको आती होगी यार ये तो, है ना? यस सर। सर नंबर भी आते हैं सर, ऐसे पढ़ना है छोटा एप्पल, डी फोर डबल एप्पल, डी फोर दो एप्पल, ई फोर इतना सा एप्पल। वेरी गुड वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो यार तुम। अपने जो अल्फाबेट्स है उनका नंबर क्या है, कौन सा अल्फाबेट, जैसे कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। अरे जिसको याद है सारे अल्फाबेट लिख दो और उनके नीचे, जिसको आता है वो सुनो अच्छे से, दोबारा से रिविजन होता है ना अपने पास, तो अपन हैवी ड्राइवर बनते जाते हैं, समझ रहे हो? तो अब देखो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे जैसे पोजिशन ऑफ अल्फाबेट्स क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे इनका, फिर अपन इनका अरेंजमेंट सीखेंगे कि कौन सा वर्ड अल्फाबेटिकली पहले आता है, कौन सा वर्ड बाद में आएगा, ये देखेंगे अपन। फिर इसमें अपन देखेंगे अल्फाबेटिकल क्यूबल्स देखेंगे, फिर अपन देखेंगे लेटर वर्ड प्रॉब्लम, फिर अपन देखेंगे वर्ड फॉर्मेशन यूजिंग लेटर्स ऑफ ए गिवन वर्ड, ये सब देखने वाले हैं। फिर अपन अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ लेटर्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला टॉपिक अपना पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स। ओके स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं अपन पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स। अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, ठीक है? देखो पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स में तुम्हें बताता हूँ। yes. पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स में तुम्हें बताता हूँ, अगर किसी को नहीं आती है तो वो अच्छे से समझ लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में किसी से भी पूछ सकता हूँ। देखिए मैं जितना 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 सिंपल वे में दिखता हूँ, जितना सिंपल पढ़ाता हूँ, जितना आपसे फ्रेंडली होके पढ़ाऊंगा, उससे डबल मैं स्ट्रिक्ट भी हूँ। ओके
तो मैं कल पूछूंगा, मींस पूछूंगा, ठीक है? सबको क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं समझ में आता है तो अभी पूछना, ठीक है? हाँ बोलो सर, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए सर हाफ ऑफ द अल्फाबेट को हमने इंटरचेंज कर दिया है, तो सर उसमें हमको नंबरिंग से ही करना पड़ता है ना? हाँ हाँ वो बताऊंगा मैं, कंडीशंस आएगी। देखो बच्चे ऐसे सारे क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो, कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें, ठीक है? अब देखो पोजिशन ऑफ अल्फाबेट्स में मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो ऐसे नोट करते जाओ, ए बी सी डी एंड ई F, थोड़ी थोड़ी स्पेस देते हैं, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z। ये समझ में आ गया? ये अपन ने सिंपल अपने अल्फाबेट्स लिख लिए, ठीक है? अब क्या करना है अपने को, तो इनको याद करने की ट्रिक भी देखो है। सुनो सुनो देखो, अब क्या करना है अपने को, यहां से अपन ने स्ट्रेट लाइन ले ली, ये एक अपन ने स्ट्रेट लाइन ले ली। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर नंबरिंग करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सॉरी सॉरी सेवन, अपन करेंगे सिक्स सिक्स इलेवन सिक्सटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी सिक्स अब ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स। देखो इस वाली रो में अपन ने क्या किया, नंबरिंग करी सिंपल, अपने को इसमें प्लस वन एड किया थ्री प्लस टू प्लस वन एड किया प्लस थ्री। अब इस वाली कॉलम में अपन क्या करेंगे, जैसे पहले सिक्स लिया फिर इसमें प्लस फाइव कर देंगे, क्योंकि अपने पास ये फाइव नंबर्स अपन ने यहाँ पर लिख लिए, ये टोटल फाइव हो गए, तो सिक्स प्लस ये फाइव टोटल है ना, तो ये इलेवन हो गया, फिर इलेवन ये टोटल फाइव, ये हो गया सिक्सटीन, इसमें टोटल फाइव किया एड फाइव किया तो ये 26। अब देखो अब तुम्हें कोई पूछे कि बताओ कि M की पोजीशन क्या है अल्फाबेट में, तो तुम बताओ कि अपने को पता है कि भाई K 11 आता है, तो अपन बोल देंगे कि 13 हो गया, 11 plus 3 that is 14, ओके? अब तुम्हें कोई पूछे कि भाई मेरे को ये बताओ T कौन सी पोजीशन पे आता है, तो तुम कर दोगे सिंपल 16 प्लस 5 कितना हो गया, ओके ये हो गया, फिर 17 18 19 ओके सर 20 होगा ना? हाँ हाँ 20 प्लस 4 का देखो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब तुम सिंपल बोल सकते हो कि भाई जैसे ए अपनी फर्स्ट पोजीशन है, बी अपनी सेकंड पोजीशन है, सी अपनी थर्ड पोजीशन है, डी अपनी फोर्थ पोजीशन है, तो अब सिक्स नंबर पे अपना एफ है, तो अब अपन इसको बोल देंगे सिंपल कि जी एफ है अपना सिक्स नंबर पे है, एंड जी अपना है वो कौन से नंबर पे है, सेवन नंबर पे है, सिंपल ऐसे अपन 16 में चले जाएंगे कि पी अपना सिक्सटीन, अरे बैकग्राउंड म्यूट योरसेल्फ सभी लोग, सर आप म्यूट कर दो, आप देखो 16 पी की कौन सी पोजीशन है 16, ओके देन अब क्या बोल देंगे अपन क्यू की पोजीशन कितनी है 17, ऐसे अपन सिंपल एस की पोजीशन क्या ले लेंगे 19, तो ऐसे याद कर लोगे। सर मैं एक और ट्रिक बताऊं क्या? Yes, नहीं नहीं बताता हूँ मैं अभी, और बताता हूँ देखो सर सब सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ बोलो सर, अपन उसको जो आपने 6 11 16 21 26 करवाया, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 5 10 16, हाँ वो भी ऐसे अपन 5 रखेंगे तो फिर इधर की वैल्यू बता रहा हूँ, सुनो सुनो मैं तुम्हें अभी
दो तीन ट्रिक्स बताऊंगा टोटल याद करने की, जिसको जो सुटेबल लगे उस अकॉर्डिंग याद करें, और एक तुम्हारे मॉड्यूल में भी दे रखा है, ठीक है? तो मेंटल एबिलिटी का सबको मॉड्यूल मिल गया? यस सर। ओके ये नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। अब देखो सर, अब देखो स्लाइड दिखा दो सर, ये वाली सर ट्रिक फर्स्ट सर, बाद में रिवाइज करा देना सर, थोड़ी वैसी है सर। हाँ हाँ रिवाइज करवा देंगे, रिवाइज करवा देंगे। इससे थोड़ा सा ऊपर करना स्लाइड को, ऊपर सर ऊपर करना थोड़ा सा। ओके छाप लिया सबने? यस सर। ओके तो अब अपन देखते हैं सेकंड ट्रिक, देखते हैं इसको अच्छे से समझो। देखो ये थोड़ी लेंथी ट्रिक भी है लेकिन समझ में आएगी, इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो अपने पास क्या है, ऐसे ले लो ए बी सी डी, ये अपने को पता है कि स्टार्टिंग लेटर है इनकी, तो अपने को सबको अल्फाबेट पता ही है ना, पोजीशन पता ही है, ठीक है? तो इसकी क्या हो गई, ये 1 2 3 एंड 4, ये पोजीशन तो सबको पता रहती है अपने को, फर्स्ट फोर अल्फाबेट्स की पोजीशन अपने को पता है। अब अपन देखते हैं ई, देखो ई में क्या आएगा, ई में अपन देखते हैं इवनिंग का अपन कैसे, देखो इस ई मतलब इवनिंग, ओके इवनिंग कितने बजे होती है, 5 o'clock पे, शाम को 5 PM पे होती है ना, इट मीन दिस इज 5, समझ में आ गया? अब ऐप का ऐप को ऐप से अपन ऐसे ले सकते हैं 6 6, है ना? तो इससे क्या आ गया अपना 6, ठीक है 6। अब अपना देखो ये है जी, अब देखो इसके सिंबल को देखो, इसमें तुम्हें कौन सा डिजिट नजर आ रहा है सर? 7 7 7 नजर आ रहा है, देखो ये रहा 7। हाँ ये हो गया अपना 7, ठीक है? फिर अपने पास आता है एच, अब देखो तुमने ऐसे जैसे अपन, हाँ हाँ बोलो सर, एच में सर जैसे एच में अपन क्या, देखो एच को अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको अपन एच में दो को है, तो ये क्या, इसको अपन जैसे यहाँ से बंद कर दिया अपन ने, तो ये 8 के टाइप का हो गया, तो अपन एच को क्या बोल देंगे, yes, तो एच की पोजीशन होगी अपनी 8। यहाँ तक सबको सबको क्लियर है यहाँ तक सर? हाँ हाँ बोलो। सर जी कैसे, जी का देखो जी का ये सिंबल है अपने पास, अब इस सिंबल में तुम्हें कौन सा डिजिट नजर आ रहा है? 7 सर नीचे, तो 7 आ गया। अब एच अपना एच को अपन ने ऐसे बंद कर दिया है ना, तो ये 8 के टाइप का बन गया, तो ये अपन ने लिख दिया कि इसकी पोजीशन नंबर 8 है। अब अपने पास नेक्स्ट आता है आई, ओके आई सर, उसको अब देखो कभी कभी सुनो, कभी सुनो जैसे तुम्हें कोई बोल रहा है, तुम्हारा कोई दोस्त की यार अपने को वहां चलना है यार, वो वहाँ की पेटीज का नहीं है, पेटीज वहाँ की जैसे मान लो कोई भी एक्स वाई जेड रेस्टोरेंट है, वहाँ की पेटीज बड़ी टेस्टी है, तो तुम उनको जल्दी जल्दी तुम्हें पता है तो तुम क्या बोलोगे, आई नो बोलोगे ना, आई नो, आई यस सर नो, आई नो से क्या आया अपना 9, ठीक है हिंदी वाला 9, आई की पोजिशन क्या आएगी अपने पास 9। अब अपन लेंगे जे एंड के, ठीक है? अब देखो जे जम्मू एंड कश्मीर है, अपने जम्मू एंड कश्मीर है ना। अब जम्मू एंड कश्मीर में देखा है अपन ने कभी क्या टेरर अटैक हो रहा है, कभी कभी कौन सी गोली चला रहा है, कभी कौन सा टेररिस्ट आके गोली चला दिया, तो वहां पर कोई भी छोटा मोटा भी कुछ घटना होती है, कुछ भी छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है वहां पर, कोई टेररिस्ट आता है, छोटी मोटी गोलीबारी भी होती है ना, तो 10-11 गोलियां तो चली जाती है, ठीक है? वो आता है तो 10-11 गोली तो चला ही जाता है, 10-11,
कैसे याद करोगे इसको सर? मैं जम्मू एंड सर मैं के की एक ट्रिक और बताऊं, कश्मीर में 10-11 गोलियां तो चल ही जाती है, ठीक है? तो जम्मू कश्मीर में कोई टेरर अटैक हुआ तो 10-11 गोलियां तो चली गई, तो इसका पोजीशन क्या आ गया अपनी 10-11। हाँ कोई जम के की कोई ट्रिक बता रहा था सर, सर के में सर वी बना ना, तो सर के में जो वी बना है ना उसको स्ट्रेट कर दो तो 11 बन जाए। हाँ वेरी गुड, ऐसे भी कर सकते हो। देखो बच्चे, मेंटल एबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, इसमें अपन अपना जितना दिमाग लगाएंगे, अपना थिंकिंग लेवल जितना इंक्रीज करेंगे ना, उतनी चीजें आसान होती जाएगी। देखिये मेंटल एबिलिटी में कोई क्वेश्चन है, अब कोई 5 फ्रेंड्स है, उनका सर्कल है, अब इसमें कोई क्वेश्चन को करने बैठा है, तो इसमें ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो दोस्त जो फर्स्ट नंबर वाला दोस्त है उसने कोई और मेथड यूज किया, दूसरे ने कोई और मेथड यूज किया, कोई और तीसरा मेथड यूज किया, ठीक है? ऐसे तुम्हारे 5 के ग्रुप में 3 मेथड से तुमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब ये शो करता है कि तुम्हारी थिंकिंग लेवल क्या है और तुमने कैसे सोचा, इसका आंसर निकालने का वे क्या था। करेक्ट सभी है, बट मेंटल एबिलिटी में क्या करते हैं अपन, 2-3 तरीकों से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट पर्टिकुलर, जैसे 60-70% क्वेश्चंस अपने 2-3 तरीकों से अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैथ्स में अपन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट निकाल रहे हैं, तो अपन को पता है कि भाई इसके अपने को फैक्टराइजेशन करना है और फिर अपने इनको कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद जो दोनों ब्रैकेट बने उनको 0 के इक्वल करना है, आंसर लेना है, इसका एक ये प्रोसीजर हो गया, फिक्स सा प्रोसीजर है, ठीक है? बट मेंटल एबिलिटी में ऐसा नहीं है, फिक्स से प्रोसीजर नहीं है, यहाँ पर तुम्हें हर एक क्वेश्चन में नया मेथड लगाना पड़ेगा और हर एक क्वेश्चन के लिए अलग से सोचना पड़ेगा, ठीक है? मेंटल एबिलिटीज पूरा थिंकिंग बेस्ड है, तुम्हारी थिंकिंग अच्छी है, तुम देखो बच्चे अभी थिंकिंग लेवल अपना सभी का सेम है, बट जब अपन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो कितना सोच पा रहे हैं, अपनी थिंकिंग कितने लेवल पे जा रही है, क्वेश्चंस को देखो। अब मान लो कि तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन तुमसे बन नहीं रहा है पहले पढ़ते टाइम, है ना? तो रीजनिंग में क्या होता है कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, उसकी लैंग्वेज अपने पास क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? लैंग्वेज अगर क्लियर हो गई तो आसानी से चीजें समझ में आती है, ठीक है? अब कभी कभी क्या होता है, पैटर्न भी समझना पड़ता है। सुनो कभी कभी क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट जल्दी से गिव अप कर देते हैं, वो एक बार ट्राई करेंगे और बोलेंगे यार ये तो बन नहीं रहा मेरे से, मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। अब वो आंसर देख लिया ना, उसी जगह पे मर गया वो, उसकी थिंकिंग वहीं पे रुक गई और वो आगे सोच ही नहीं पाया, तो उससे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो कभी भी आंसर मत देखो, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, वो 3-4-5-6-7-8-9-10 बार ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा है, जितने बार ट्राई करोगे तो तुम्हें एक नया वे मिलेगा क्वेश्चन सोल्व करने का, एक नया मेथड मिलेगा, उससे तुम्हारी थिंकिंग है वो लेवल पे जाएगी, अच्छे लेवल पे चली जाएगी और तुम टफ से टफ क्वेश्चन सोल्व करने में भी आसानी से कर लोगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? मेरी इन सब बातों का कंक्लूजन क्या निकलता है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा सोच पाओगे, ठीक है? तो अब देखो नेक्स्ट अल्फाबेट है अपने पास, नेक्स्ट अल्फाबेट के लिए रूल बताओ। आई आल्सो नो व्हाट ट्रिक ऑफ जे, एल के लिए कोई ट्रिक बताओ। सर एल में सर दो सर हॉरिजॉन्टल, सर एक वर्टिकल लाइन है और सर एक हॉरिजॉन्टल, तो सर इसमें 2 लाइंस हैं सर, सर इसमें 1 और लगा देंगे तो सर इसका नंबर सर 12 बन जाएगा सर। अपन को तू तो पता ही है सर, एल का इजी ट्रिक है सर, बहुत सर एल का जो एल इक्वल क्या सर, एल को ऐसे सीधे देखो तो 1 दिख रहा है, उल्टा कर दो एल इक्वल भी तो, अरे कोई एक बताओ सर, एल 12 टाइम में कोरिए, अरे कोई एक बताओ सर, एल को ऐसे सीधे देखे तो इसमें 1 दे, हाँ हाँ, और अगर इसको उल्टा कर दें तो इसको थोड़ा 2 जैसा दिखेगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, तो देखो अरे एल 12 के साथ राइम भी करता है, हाँ हाँ, जैसे इसकी राइमिंग भी अच्छे से बन जाती है एल 12 के साथ राइम हो गया, तो अपन इसका क्या होगी पोजीशन 12, या तुम इसको जैसे सिंपल देखोगे तो तुम्हें ये 1 की जैसे दिख रहा है, जैसे सिंपल 1, अब अपने इसको उल्टा कर देंगे तो ये ऐसे दिखेगा, मींस ऐसे ये L 12 हो गया, समझ गए? तो अब नेक्स्ट अपने पास है M,
अब एम का मतलब क्या मैं बताऊं? जैसे जैसे कोई एक गाना आया था, सॉन्ग आया था, क्या सर एल कैसे है? एल कैसे हुआ? एल है अपने पास, देखो एल की एक तो राइमिंग बनती है एल ट्वेल्व, सीधा तुम ऐसे कर सकते हो। बाकी एल को देखोगे ना सिंपल, देखो एल ऐसे है, इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करोगे तो ये वन के जैसे नजर आता है ना, ऐसे वन, ठीक है। और एल को अपन एल है, इसको उल्टा कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, इट मीन्स इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो ये अपने को ट्वेल्व जैसा नजर आ रहा है ना, ठीक है, समझ गए बच्चों? ओके सर। हाँ, अब एम का अपन क्या करेंगे, एक सॉन्ग आया था मैं तेरा होने लगा, सॉन्ग आया था मैं बन जाता है एम का उल्टा करो तो, हाँ मैं तेरा होने लगा है ना, ये सॉन्ग आया था इट मीन्स 13। अब अपने को पता है कि अपन देखो एम एम की तो सीधे से अपन बोल ही देते हैं एमएन एमएन गुड मॉर्निंग गुड नाइट, तो एमएन आ जाता है ना एमएन, तो एम की अपन सीधे सिंपल से बोल देंगे 14, ठीक है। सर एम अपने सर तो उसका स्त्री बनता है। एन की एक और बताऊं? हाँ एन की बताओ। सर मैं बताऊं एन की? सर जैसे एन में सर वो सर पहला है ना सर स्टेक सर, उसको तोड़कर सर फोर बन रहा है सर रोमन नंबर, फोर रोमन नंबर वाला, कर सकते हैं सर रोमन नंबर वाला फोर भी बन रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। देखो ये वन ये फोर, हाँ हाँ, तो इसको अपन 14 लेंगे। अब अपना नेक्स्ट देखो क्या है, ओ सर एन वाला समझ में नहीं। अरे एन वाला देखो, एन वाले की अपन को याद है, एन वाले का क्या है कि जैसे एम का अपन ने बोलते कि मैं तेरा होने लगा मीन्स 13, इसकी पोजीशन होगी 13। अब अपन जब भी अपन अल्फाबेट लेते तो अपन सीधे सीधे जल्दी से बोल देते क्या एमएन एमएन, तो एन की अपने पास आ गई 14, ठीक है। अब ओ एंड पी का देखो, देखो कभी कभी जैसे अपने को अपने घर पे मम्मा अपने को पीट रहे हैं है ना, तो क्या होता है कि मम्मा ने 15-16 डंडे मारती है मेरे को, तो जल्दी से मुंह से पापा याद आते हैं, मैं बोलता हूँ ओ पापा है ना, तो क्या आया मम्मा ने, सर उल्टा हो रहा है, पापा मारते हैं मम्मा बचाती हैं। हाँ, बट अपन ऐसे याद करेंगे, मम्मा ने 15-16 डंडे मारे, मुंह से निकला ओ पापा, तो क्या आया 15-16, तो ओ का आ गया 15 एंड 16 का 16 आ गया पी वाला, समझ गए यहाँ तक? सर हम उनको सर ऐसे भी याद कर सकते हैं सर एजआईटी वाले रूल से, मम्मी ने 5 के मार्क्स, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें सबके अलग अलग रूल है, मैं तो ये उनको बता रहा हूँ जिनको अभी तक कोई एक सिंगल भी नहीं पता। अगर तुम्हें मैं पी की एक ट्रिक बताऊं तो मैं, अरे बनाने का है, बन सुनो मेरी बात, कैसे भी बन जाएगा, जिसको जो भी याद है ना उस तरीके से याद करो, ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनको अभी कुछ एक सिंगल ट्रिक भी याद नहीं है, ठीक है, वो इसको यूज कर सकता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, अपना क्या है नेक्स्ट, क्यू, नेक्स्ट है अपना क्यू, क्यू मीन्स क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं अपने को ऐसे लगता है यार खतरा आ गया, खतरा मीन्स 17, तो अब अपन इसको बोलेंगे 17, ठीक है, खतरा 17 जिसको जो याद है वो उस तरीके से याद रखो, मैं उनको बता रहा हूँ, मेरा बताने का पर्पज वो है कि अगर किसी को एक सिंगल ट्रिक भी नहीं पता तो वो इस ट्रिक से जा सकता है। फिर अपने पास नेक्स्ट है आर, अब देखो अपन आर का देख सकते है ना, आर ऐसे इसको ऐसे घुमा सकते है ना आर को, तो ये अपने को 18 जैसे लगेगा ना, तो आर का हो गया 18, यस सर 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने सर, मुझे क्यू का समझ में नहीं आया, अरे क्यू का अपन जैसे कोई भी क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन को देखते ही अपने को खतरा महसूस होता है, खतरा मीन डेंजर महसूस होता है, तो खतरा मीन 17, 17, समझ गए सर? सर वैसे भी डर लग रहा है कि हाँ, तो अब एसटी का मतलब अपन ले सकते हैं स्टूडेंट टिकट, आर का बता दो, स्टूडेंट टिकट सर आर का बता दो, आर का देखो आर है अपने पास, अब जो आर वाली ये वाली डंडी है ना, ये वाली टेल है ना, इसको यहाँ से जॉइनिंग करेंगे ना अपन, तो अपने को ये 18 जैसा नजर आ रहा है ना, देखो ये अपने पास आर है ना,
अब देखो इसको अपन यहाँ से थोड़ा एड ज्वाइन करें और इसको थोड़ा ज्वाइन करते ही अपने को 18 जैसे नजर आने लगता है ना, तो अपन इसको बोल देंगे इसकी पोजीशन क्या है 18, समझ गए। अब अपन एसटी एस एंड टी का देखेंगे। एसटी मींस स्टूडेंट टिकट। देखो जब भी अपन किसी बस में सफर कर रहे हैं ना, तो जो स्टूडेंट होते हैं ना उनको थोड़ी सी टिकट जो भी रेट होती है ना उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे कोई 25 की टिकट है तो स्टूडेंट्स को वो 16-18 को पड़ जाती है। अब मान लो कि कोई स्टूडेंट टिकट को घर पे भूल गया तो बस वाले के साथ थोड़ा 19-20 हो जाता है, ठीक है। तो 19 and 20 T20 भी हो सकता है सर, T20 मैच। हाँ T20 भी तुम कर सकते हो इसको, ठीक है। फिर अपने पास बचा है अब यू सर, आप एसटी का फिर से बताओ। एसटी में देखो एसटी का मतलब अपन ले सकते हैं स्टूडेंट टिकट, ठीक है। अब स्टूडेंट टिकट में क्या है, स्टूडेंट टिकट का मीनिंग होता है कि जब भी अपन बस में सफर कर रहे हैं, बस में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के पास एक स्टूडेंट आईडी होती है, वो उसको बस वाले को दिखाता है, गवर्नमेंट बस वाले को, और गवर्नमेंट बस वाला उसको टिकट की प्राइस है उसमें रिलैक्सेशन देता है। जैसे 25 की है तो उसको 17-18 में मिल जाती है। अब मान लो कि कोई स्टूडेंट जो आईडी कार्ड है उसको घर पे भूल गया, तो बस वाले को बोलता है कि मेरा एसटी है स्टूडेंट टिकट है, तो बोलेगा आईडी कार्ड दिखाओ। अब आईडी कार्ड है नहीं तो बस वाले से अपनी नोक जोक मीन 19-20 हो गए उससे थोड़ी, है ना। तो 19-20 तो ऐसा आ गया 19-19 एंड टी आ गया अपना 20 T20। ओके अब अपने पास है यू एंड वी। यूवी अपने क्रिकेट प्लेयर हुआ था एक युवराज सिंह, जिसको अपन यूवी बोलते थे। युवराज सिंह ने क्रिकेट है ना 21.5 साल की एज में स्टार्ट किया था, 21.5 की एज थी ना उसकी, तो उसने क्रिकेट स्टार्ट किया था। हाफ को एस्टिमेट करके 22 लिख, तो अपने को बोल देंगे कि युवराज ने 21 से 22 के एज के मिड में खेलना स्टार्ट किया था, तो अपन यूवी 21 एंड 22, ठीक है, समझ गए ना सर। सही में किया था क्या? हाँ सर, रियलिटी में किया था, रियलिटी में किया था, ठीक है। अब फिर अपने पास आता है W। अब W का डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं कि भाई W यूवी कैसे हुआ। यूवी अपन एक क्रिकेट प्लेयर था युवराज, है ना। युवराज ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था जब वो 21.5 ईयर्स ओल्ड था, ठीक है। तो यूवी ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया 21 से 22 की एज में, 21 टू 22 की एज के मिड में उसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, तो 21-22, ठीक है सर। हाँ हाँ सर, आप प्लीज नोट्स बना के भी भेज देंगे। हाँ हाँ नोट्स बना के भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर अपना, अब 22 से 23 अपन डायरेक्ट W ले सकते हैं। फिर अपने पास लास्ट में X, Y एंड Z बच गया, तो उनको तो अपने को पता ही है, तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं अपन कि ये तो लास्ट वाले हैं, तो अपन 24, 25 एंड 26 हो जाएंगे, समझ गए साहब। सर W कैसे हुआ? W का अपन देखो X, Y, Z का अपने को पता है, तो W ओनली रिमेनिंग रह गया, तो अपन उसको 23 डायरेक्ट बोल देंगे ना। ओके सर, ये कर लिया सबने, नोट कर लो, नोट कर लो सर। ये जो आपने बताया, हाँ हाँ ये आपने मन से, हाँ ये मन से सोचा है भाई। सर ऐसे भी हम भी बना सकते हैं। अरे देखो मैं कह रहा हूँ, मेंटल एबिलिटी का मीनिंग क्या है, थिंकिंग। तुम अपनी थिंकिंग लेवल को कितना इंक्रीज कर सकते हो, कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। छाप लिया सबने? यस सर। यस। अब अपन देखते हैं ऑपोजिट। इसके बाद तुम्हारी क्लास तो नहीं है ना? ओ सर। तो अब अपन देखते हैं ऑपोजिट अल्फाबेट्स। ओके, अब ऑपोजिट में अपन देखते हैं देखो अपोजिट में जैसे एक का अपोजिट है अपना जेड, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे अपने पास जैसे मान लो कि घर पे कोई फंक्शन है और अपन ने डेकोरेशन करने के लिए बुला रखे हैं, है ना,
तो अपने पापा जाते हैं जल्दी से और डेकोरेशन वालों को बोलते हैं ऐसे बिल्कुल कड़क होके, भाई मेरे को नहीं पता तू क्या काम करेगा बट मेरे को एक घंटे में ए टू जेड डेकोरेशन चाहिए, बोलते हैं ना? यस सर। तो एक का ऑपोजिट क्या हो गया? जेड। ए टू जेड। तो ये इसको अपन कैसे क्या कर लेंगे? अपन ए टू जेड डेकोरेशन से याद करो, ठीक है? फिर अपने पास सेकंड आता है, सेकंड है अपने पास बी का ऑपोजिट है वाई, इसको अपन बाई से याद कर लेंगे, सिंपल इंग्लिश वाले बाई, ठीक है? फिर अपन ले लेंगे सीधा सर, ये तो उल्टा ही चलता है ना, तो जेड को याद कर लो। हाँ हाँ, अरे याद करना जैसे अपने को ए टू जेड, ये ट्रिक है जब तुम्हें पूछा जाए कि भाई सी अपॉन एक्स है, अब इसको कैसे याद करोगे? बच्चे क्या कहते हैं क्रैक्स, वो क्या बोलते हैं अपन, क्रिसमस आता है अपना, क्रिसमस है ना, क्रिसमस की देखो स्पेलिंग बताओ एक बार, व्हाट इज दिस अपोजिट, अब एक बार क्रिसमस की स्पेलिंग बोलो पहले, देखो अब देखो सी का ये आ गया सी, इसका ऑपोजिट हो गया अपने पास एक्स, क्रिस्टमैक्स, ओके? तो अपन बोलेंगे सर इसका एक्सटेंड करके गाड़ी है, अब आ गया अपने पास बी, तो कर सकते हैं जैसे हमने सिर्फ ए टू सेट कर लिया, ए और जेड ही या हां कर लिया, उसके बाद बी के जेड के पहले क्या आता है वाई, ऐसे सर डी डब्ल्यू तो डाउन से हो जाएगा। अब देखो डी डब्ल्यू अपन ले सकते हैं दूध वाला, जैसे हमने क्रिसमस लिया है सर डाउन, सर मेरा एक डाउट है, हां हां क्रिसमस वाला बताओ सर, जैसे हमने क्रिसमस लिया तो सी फर्स्ट में और एक्स लास्ट में, जैसे एक्स बीच में होता तो ये माना नहीं जाता, नहीं माना जाता। देखो याद करने की ट्रिक है यार, अपन कैसे याद करते हैं, ठीक है? अब देखो डी और डब्ल्यू डाउनवर्ड हो सकता है, हाँ हाँ डाउन, देखो डाउनवर्ड भी तुम ले सकते हो, और दूध वाला, ओके? फिर अपने पास है ईवी, अपन इसको फिर से इवनिंग ले सकते हैं, इवनिंग फिर से ले सकते हैं अपन, ठीक है सर? कीवी भी बोल सकते हैं, कीवी, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने पास आया एफ यू, फिर अपन इसको बोल देंगे जैसे अपने घर में कौन कौन रहते हैं, अपने फादर एंड अंकल, फादर बोल सकते हैं एफ यू को, क्या सर? मम्मी का अपने फादर एंड अंकल है, फूट बोल सकते हैं, हाँ हाँ। फिर अपने पास है तो सर मैसेज कर रहे हैं क्या? अरे जो फालतू कर रहे हैं यार, जिनको पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है वो तो करेंगे, तुम ध्यान, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो चैट बॉक्स में जाते ही नहीं है, और मैं उनको चेक भी नहीं करता क्योंकि मेरे को उनसे मीनिंग मतलब भी नहीं है, मैं ओनली अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाने आता हूँ जो रियल में पढ़ना चाहते हैं। अब तुम देखो स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरे चैट बॉक्स में देखो, मैंने एक बार भी उसको ओपन करके नहीं देखा ना, तो ऐसे ही करो, तुम भी उसकी तरफ देखो इमेज, जो नहीं पढ़ने वाले हैं जो फालतू के मैसेज करते हैं वो करते रहेंगे, और जो क्लास में जिनका ध्यान रहेगा, पढ़ने वाले तो क्लास में ध्यान देते हैं, ठीक है? अब अपन नेक्स्ट ले रहे हैं, इसके बाद क्या अपना जी का ऑपोजिट है अपने पास टी, इसको अपन जैसे कोई भी ले लो अपने, गेम भी है Game of Thrones, GTA 5, एक वेब सीरीज आई थी Game of Thrones, GTA वो GTA 5 टेक्नो गेमर, Game of Thrones, स्पेलिंग देख लेना, ये Game of Thrones लिख लेना तुम, है ना? टेक्नो गेमर सर, थ्रोन मतलब सर, तुम अब ऐसे भी ले सकते हो इसको, गौरव टावर सर, जेंटल सर, ग्रैंड टूरिज्म, अरे कुछ भी ले सकते हो तुम अपनी मर्जी से, जो अपने को याद करने में आसानी हो जाए सर, गांव में ताला, एच अपॉन एस, फिर अपन ले लेंगे एक सिंगर हुआ था बड़ा, हनी सिंह,
हनी सिंह तो एच एंड एस। फिर अपन है आई अपॉन आर, इसमें क्या ले लेंगे अपन इंडियन रेलवे। हाँ सर इंडियन रेलवे ले सकते हैं। फिर अपन ले सकते हैं आयरलैंड भी हो सकता है। हाँ हाँ आयरलैंड भी हो सकता है। अब देखो फिर अपने पास जे का ऑपोजिट होता है क्यू, इसको अपन क्या ले लेंगे, इसको अपन क्या लेंगे बताओ सर। आई आर वी कैन से इरेशनल नंबर। जम्मू कश्मीर बताओ जे, जैसे क्या लोगे जैक एंड क्वीन। तुम आप जैक एंड क्वीन भी ले सकते हो, तुम जैसे अब एमपी का एमपी का शहर है अपने, अब एमपी का शहर है अपने पास जबलपुर, तो तुम ले सकते हो जबलपुर क्वीन, जबलपुर की क्वीन ले सकते हो जबलपुर क्वीन। हाँ जबलपुर सर जम्मू में काटा। वेरी गुड सर, जोकर और क्वीन एक कार्ड डेक में। हाँ जोकर एंड क्वीन भी ले सकते हो। वेरी गुड, अच्छे स्टूडेंट दिख रहे हैं यार मेरे को तुम्हारी क्लास। के का ऑपोजिट है पी सर जोकर एंड। अब सुनो के बाय पी है, के का ऑपोजिट है पी। अभी सुनो सर कपूर सुनो सुनो अपने थिएटर सर कापा एक जगह है थिएटर इंडस्ट्रीज में एक बड़ा डायलॉग आया था सर कपिल शर्मा शो के पॉप। सुनो एक बड़ा डायलॉग आया था के पॉप कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अरे सर तो अब अपन इसमें ले सकते हैं कटप्पा। हां कटप्पा सर के कटप्पा अपन ले सकते हैं तो के का कटप्पा भी ले सकते हैं कटप्पा। ठीक है फिर अपने पास इसके बाद आता है सर कानपुर में सर एम सर एम ओ एम ओ। इसके बाद है अपने पास एल सर एल ओ एल ओ सर मदर इधर डायरेक्ट ले सकते हो लव से। ठीक है तुम्हारे को तुम्हारे पेरेंट्स कितना लव करते हैं उससे ले सकते हो कि एल का जस्ट अपोजिट है ओ पावर। यस लॉल भी ले सकते हैं। हां फिर अपने पास बच गया ओ. फिर अपने पास रह गया कौन सा एम सर एम और एन एन। इसको अपन कैसे ले सकते हैं अभी अपने पास एक बड़ा ही सर मैन एक बहुत बहुत बड़ा बहुत बड़ा इंडिया में एक बड़ा सा पॉलिटिशियन है जो कुछ भी करता रहता है बड़ा सा पॉलिटिशियन एम एन इंडियन। सुनो बड़ा सा पॉलिटिशियन है जो कुछ भी करता रहता है, है जो अभी अपने देश को रन कर रहा है वो अपने देश का प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ठीक है तो एम और एन दोनों ऑपोजिट हो गए। ठीक है तो अब क्या देखो यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना टाइम भी ओवर हो गया है सारे हो गए ना सर उसको वो भी ले सकते हैं मेरा मेहमान। अब सुनो तुम्हें अब ऐसे अब तुम्हें एक सिंपल सी ट्रिक और बताता हूँ अपोजिट कैसे चेक करें। जैसे अपने पास था क्या था जैसे ए एंड जेड था अपने पास। अब ए की पोजीशन कौन सी है 1 एंड जेड की पोजीशन कौन सी 26। जब अपन 26 करेंगे तो यह आएगा अपने पास 27 और ये जो सम है ये सभी में मेंटेन रहेगा सबका सम 27 सम है ना वो 27 होगा। जैसे अब तुम्हारे पास मान लो डी बाई डब्ल्यू है अब डी की पोजीशन क्या है 4 अब अपने को डब्ल्यू की नहीं पता सुनो डब्ल्यू की पोजीशन नहीं पता तो अपन 27 माइनस 4 कर लेंगे इट मीन 23 ठीक है। टाइम हो गया अरे सुनो सुनो टाइम अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जिसको नहीं पढ़ना जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करने वो लीव कर सकता है। मजा आ रहा है जिसको नहीं पढ़ना वो लीव कर सकता है कोई प्रेशर नहीं है, है ना सर ठीक है। और जिसको समझना है और कुछ करना है कोई भी एग्जाम क्लियर करना है मेंटल एबिलिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो वो रुका रहेगा क्लास में। ठीक है तो सुनो क्या थी अपने सर मुझे आई 80 ए बाय जेड। देखो पिछली बार सेकंड ट्रिक समझो ए बाय जेड जिसको समझ में नहीं आई वो दोबारा से देखो ए बाय जेड ए की पोजीशन क्या है 1 जेड की पोजीशन क्या है 26 जब अपन इनको ऐड करेंगे 1 + 26 करेंगे तो इनका सम आएगा अपने पास 27
तो जो ये सम आया है 27 ये सभी में मेंटेन रहेगा। अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल अपन लेते हैं जैसे E by V। अब E की पोजीशन क्या हो गई अपने पास 5 एंड V की पोजीशन क्या हो गई अपने पास 22। अब इनको ऐड कर देंगे अपन 5 plus 22 को तो याद आएगा अपने पास 27। क्लियर सबको? इट मींस जो ये सम है 27 में मेंटेन रहेगा। अब तुम्हें कोई क्वेश्चन आ गया कि बताओ भाई मेरे को S का ऑपोजिट क्या होगा, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ S, तो तुम क्या बताओ? अब S की अपने को पता है कि भाई S का अपने पास कितना नंबर कौन सा है, S की पोजीशन कौन सी है? 19 है। अब तुम क्या करोगे, अपने को पता है कि सम 27 होता है तो अपन 27 माइनस 19 कर देंगे तो कितना हो गया अपने पास ये 8। अब अपन देखेंगे 8 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो अब अपन क्या बोल देंगे H आता है भाई, तो अपन बोल देंगे S का ऑपोजिट हो गया H। दिस इज द आंसर। यस सर। क्लियर सबको ये कांसेप्ट? यस सर। बच्चों सब कुछ सिंपल है? Yes. मजा आ रहा है पढ़ने में? हेलो। हाँ मजा आ रहा है सर। इंटरेस्टिंग है चीजें और एकदम सिंपल। मेंटल एबिलिटी अगर अपन अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। एक्सक्यूज मी सर, तुम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, तुम खुद बोलोगे कि सर आज तो मेंटल एबिलिटी की ही क्लास ले लो आप, ठीक है? अब तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ऑल क्लियर? नो सर। आपके क्लास में कैसे डाउट होगा? वेरी गुड। अरे सब कुछ क्लियर करते चलेंगे अपन, कोई भी डाउट सिंगल डाउट अपन क्लास में नहीं छोड़ेंगे, कोई वही नहीं है, ठीक है? एक सिंगल डाउट। हेलो सर, आई हैव अ डाउट। हां बताओ। सर किसी का डाउट है सर? हां बताओ। इग्नोर कर रहे हैं सर। बताओ डाउट बताओ। मुझे पहली ट्रिक समझ में नहीं आई सर, वो कौन सी? स्टार्टिंग में जो आपने समझाई थी ना वो मुझे समझ में नहीं आई। स्टार्टिंग में जो सर आपने अल्फाबेट लिखवाए थे ना, ए टू जेड तक लिखवाए थे, फिर आपने उनकी नंबरिंग बताई थी, वो आपने 3 4 5 नंबर आगे लिख दिया था 6 11। अच्छा ये वाला लिखा था, आपको 5 10 लिखना चाहिए था। यस सर। यस सर। देखो इसमें देखो क्या है अपने पास, 6 11 16 की जगह A B C D E है अपने पास, ठीक है? अब देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5 अपने को पता है कि ये 1 पे आएगा, ये 2 पे आएगा, 6 ये 3 पे आएगा। अब जो अपना F है वो अपने को पता है कि 6 नंबर पे आएगा, ठीक है? तो ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, yes, ये 10, फिर अपना K आ गया 11 पे, फिर 11 के बाद अपन देखेंगे ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, फिर अपने को पता है P अपना 16 पे आ गया, फिर अपने पास ये आ गया 17, 18, 19, 20, फिर आ गया अपना 21 पे, फिर अपन देखेंगे 22, 23, 24, 25, 26। अब मान लो कि तुम्हें पूछा गया कि भाई L की पोजीशन बताओ, अब अपने को पता है कि भाई K की पोजीशन 11 थी तो KL इट मींस 12 हो जाएगी, समझ गए ना? अब तुम्हें yes, पूछा कि भाई R की पोजीशन बताओ, अब अपने को पता है कि अपन ने पढ़ा था कि P की पोजीशन 16 है, Q की पोजीशन 18, R की पोजीशन 18, तो अपन बोल देंगे R की पोजीशन 18 है, समझ गए बच्चों? सर इसके बाद भी था। ओके बच्चों, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय। नेक्स्ट क्लास एक हफ्ते बाद। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। ओके सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।